बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन पर हत्या की एफआईआर हुई है। बीते दिनों स्टूडेंट मूवमेंट द्वारा बुलाए गए प्रोटेस्ट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस सिलसिले में अब कुल 156 लोगों पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। मोहम्मद रुबेल नाम के इस व्यक्ति को ढाका के अदाबोर इलाके में गोली लगी थी। कपड़ों की फैक्ट्री में काम करने वाले रुबेल की मौत 7 अगस्त 2024 को हुई थी। उन्हें 5 अगस्त को गोली लगी और 2 दिन बाद उनका देहांत हो गया। रुबेल के पिता रफीकुल इस्लाम ने 22 अगस्त गुरुवार को इस मामले में अदाबोर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें अवामी लीग के 154 लोकल नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम है। इन पर रुबेल की हत्या का आरोप है। इन लोगों के साथ रिपोर्ट में शाकिब और देश की उस वक्त की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना का नाम भी शामिल है। इनके साथ 400 से 500 तक अज्ञात लोगों के खिलाफ भी शिकायत हुई है। क्रिकबस की रिपोर्ट के मुताबिक रुबेल ने 5 अगस्त को अदाबोर इलाके में चल रहे प्रदर्शन को ज्वाइन किया। ये प्रदर्शन तत्कालीन सरकार के खिलाफ चल रहा था। पुलिस को सौंपी गई शिकायत में दावा किया गया है कि हसीना और बाकी आरोपियों के ऑर्डर्स के बाद अज्ञात लोगों ने छात्रों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में रुबेल की छाती पर 2 गोलियां लगी और इनके चलते बाद में उनका निधन हो गया। बता दें कि शाकिब अभी रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं। चार्जशीट के मुताबिक शाकिब इस केस में आरोपी नंबर 28 हैं। शाकिब आवामी लीग के MP भी हैं। बीते आम चुनावों में उन्होंने मागुरा 2 क्षेत्र से चुनाव जीता था। आवामी लीग की नेता शेख हसीना जीत के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी थी। छात्रों के आंदोलन के चलते तमाम नेताओं के साथ हसीना ने भी बांग्लादेश छोड़ दिया है और इसके बाद से शाकिब भी देश नहीं लौटे हैं। अभी बांग्लादेश का शासन एक अंतरिम सरकार चला रही है। इसके नेता नोबेल विनर मोहम्मद यूनुस हैं। हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट भी बदला गया है। इस पद की जिम्मेदारी अब फारूक अहमद के पास है और उन्होंने शाकिब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है। अहमद ने कहा था कि अगर शाकिब घर में होने वाले कैंप्स का हिस्सा नहीं बनेंगे तो उनके भविष्य पर फैसला लेना पड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले शाकिब ने तैयारी के लिए लगे कैंप में शामिल ना होने का फैसला किया था और अहमद का कहना है कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। देश के पूर्व क्रिकेटर और चीफ सेलेक्टर अहमद ने BCB चीफ के रूप में नजमुल हसन की जगह ली थी। नजमुल BCB चीफ के रूप में अपने 4th कार्यकाल में थे। देश में मचे बवाल के शुरू होने के बाद ही वो लंदन शिफ्ट हो गए थे। बांग्लादेश के लिए 7 वनडे खेले फारूक अहमद इससे पहले 2 दफ़ा BCB के चीफ सेलेक्टर रह चुके थे। उन्होंने अपना दूसरा टर्म पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। सवाल कुछ गंभीर है, मतलब ये चिया सीड्स और किनोवा की बकैती क्या है? अजवाइन का पानी पीने से वजन सच में कम होता है? इंटरमिटेंट फास्टिंग फायदा है या इंसान भूखा बस रह जाता है? और क्या कलेजे में उठता हर दर्द यमराज से मिलवाता है? गूगल ये कब तक मेरे हर सिम्टम को कैंसर बताएगा? मामला संगीन है, कंफ्यूजन महीन है, तो यहाँ वहाँ भटक कर क्यों खुद को उलझाए? एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की सुनकर हर गुत्थी सुलझाए। 29 अगस्त को सुबह 11 बजे से देखिए सेहत अड्डा। अगर आप भी बनना चाहते हैं सेहत अड्डा का हिस्सा तो डिस्क्रिप्शन पर दिए लिंक या वेबसाइट पर बने बैनर पर करिए क्लिक। और हाँ, रहिए सेहतमंद। सेंसोडेंट के प्रेजेंट सेहत अड्डा को पावर्ड बाय USV योर रिलायबल हेल्थ केयर पार्टनर एंड डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल।